अंकलेश्वर नगर के राजपीपला रोड मीरा नगर के पास एक अपर प्रांतीय युवान का मृतदेह बरामद होते से स्थानिक विस्तार में कई तरह की अटकलें पैदा हुई है। मिली जानकारी के आधार पर अंकलेश्वर के राजपीपला रोड पर आए हुए मीरा नगर के पास से एक पर प्रांतीय युवान का खून में लथपथ मृतदेह बरामद होने से स्थानिक विस्तार में कई तरह की अटकलें पैदा हुई है। जल्द सुबह मीरा नगर के पास से हत्या की हुई हालत में एक मृतदेह बरामद होने से स्थानिक लोगों ने GIDC पुलिस को जानकारी दी थी, तो वही पुलिस स्थल पर पहुंचकर तत्काल रूप से युवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कवायद जारी की थी, जहां मूल बिहार और फिलहाल मीरा नगर स्थित लक्ष्मण नगर में रहता 29 वर्षीय मिथुन महेश मंडल नामक युवान का मृतदेह होने की जानकारी प्राप्त होते हुए पुलिस द्वारा इसकी मौत की सही वजह ढूंढने की दिशा में कार्यवाही जारी की है। मैं मारते धाम 2 में रहता हूँ, सहारनपुर राजपीपला रोड अंकलेश्वर। मैं मेरे भाई के साथ और मेरे फ्रेंड थे वहाँ पे। 8:30 बजे के आसपास हम लोग सब एक जगह खड़े थे, तो उठने में छोटू का फोन आया, बोला कि आज लास्ट दिन है, चलो आज बैठ के बातचीत करते हैं। तो 9 बजे के आसपास वो निकल गया मेरा भाई, तो उसके पीछे हम लोग 10-15 मिनट के बाद हम लोग उसके पीछे गए देखने के लिए, तो सहारनपुर पाटिया पे मिला। तो इधर से तो गया था मेरा भाई खाली, था सहारनपुर पाटिया पे छोटू को मैंने देखा, उसके गाड़ी पे आगे बैठा था। उसके बाद मेरा भाई बोलता है कि ठीक है तू जा घर, मैं आता हूँ। उसके बाद फ़ोन किया तो मैंने बोला मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना चावल लेके आना उधर से। लास्ट 12:30 पे मैंने फ़ोन किया था उसको, उसके बाद मैं जाके सो गया। उसके बाद सुबह गया तो पता चला ऐसा हो गया। पुलिस को बताया था? हाँ, पुलिस को बताया, FIR लिखवाया हूँ। किस पे शक है आपको? शक छोटू पे है और उसके फ्रेंड लोग हैं, उसका नाम लिखवा दिया हूँ। मैं भी बोलना चाहता हूँ, जब मिथुन को फ़ोन किया 11:30 नाइट में, तो मिथुन ने बोला, मैं मिथुन को खाना खाने के लिए फ़ोन किए थे, बोला मिथुन कि तू खाना खा के सो जाओ, मैं छोटू के साथ में हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। GIDC પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મીરાનગર વિસ્તારમાં આજ રોજ સવારે એક ડેડ બોડી મળી આવેલ, જે લોહી લુહાણ હાલતમાં હોય, તપાસ કરતા મિથુલ મહેશભાઈ મંડલ મૂળ બિહારના, ઉંમર વર્ષ 29 અને હાલમાં લક્ષ્મણનગરમાં રહેતા હોય, જેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે જયબેન મોદી હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ PM રૂમમાં ખસેડવામાં આવેલ છે, અને પોસ્ટમોર્ટમ બાદ અને તેમના વાલી સ્વજનોને બોલાવી મર્ડરની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે અને આગળ તપાસ કાર્યવાહી, આનું જે પણ મૃત્યુના કારણો છે, કોના દ્વારા મર્ડર કરવામાં આવ્યું છે, એની તપાસ કરવામાં આવશે।